अभी अज्ञात करा दें कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज निरंतर हम लोगों को अपनी लेखनी से सुशोभित करते रहते हैं, हमारे जीवन के उत्थान के लिए निरंतर हमारे लिए कुछ न कुछ प्रदान करते रहते हैं। आचार्य श्री की अनेक कृतियां हैं, इसी क्रम में आचार्य श्री की एक नई कृति हमारे बीच आई है, व्यसन विचार। जोरदार ताली बजाएं, हमारे लिए आचार्य श्री निरंतर कैसा वात्सल्य उड़ेलते रहते हैं। कृति है व्यसन विचार, जिनके लेखक हमारे गुरुदेव आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज हैं, और इसकी इसमें प्रस्तुति की है वो बहु प्रतिभा संपन्न श्रवण रत्न 108 श्री आदित्य सागर जी मुनिराज एवं कवि हृदय श्रवण रत्न 108 श्री अप्रमित सागर जी मुनिराज। हम उन्हें भी याद करके हम बहुत बहुत अभिसंचित हैं कि उन्होंने ऐसी प्रस्तुति दी, और इसका प्रकाशन का कार्य इसमें किया है ब्रह्मचारी भैया जी श्री निखिल भैया जी जो हैं, उनके गृहस्थ अवस्था के जीवन में परिवारजन श्री भरत जी जैन श्रीमती अंकिता जी जैन, हम बहुत बहुत आभारी हैं, उन्होंने ऐसे धर्म कार्य में अपना सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा दीजिए। और निखिल भैया जी तो हमारे बीच है ही, और विमोचन के लिए उसी पुस्तक के विमोचन के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान ब्रह्मचारी भैया जी श्री निखिल जी, ब्रह्मचारी भैया श्री भोला जी भैया जी कृपया यहाँ पर आ जाएं एवं साथ में उनका साथ देने के लिए यहाँ पर आ जाएं हमारे बीच। शैलेश जी छावड़ा गया, लक्ष्य जी अजमेरा एवं ज्ञानचंद जी पापड़ीवाल कृपया सहयोग कर गुरुदेव के ऐसे सुंदर कृति का, और श्रीमान हेमंत पाटनी जी भी कृपया यहाँ पर आ जाएं। गुरुदेव के इस कृति व्यसन विचार का यहाँ पर विमोचन हो रहा है, हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हेमंत भैया जी आ जाइए, अनमोल भैया जी आ जाइए, अनमोल भैया आ जाओ भैया। अच्छा माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, कृति जो है वो है व्यसन व्यसन रहस्य है, इस कृति का नाम व्यसन रहस्य। जोरदार ताली बजाइए, अपना सौभाग्य मानिए गुरुदेव की ऐसी कृतियों को हम निरंतर पढ़ते रहें और अपने जीवन का उत्थान करें, अपना जीवन मंगलमय करें। गुरुदेव आपसे मंगल प्रार्थना, आप ऐसे ही कृतियां हमें जीवन में देते रहें, हमारा उत्थान करते रहें। चलिए गुरुदेव आचार्य।